फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। खबर है रांची से, जहां आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। संभव है कि अगले एक से दो दिनों में उनके कोरोना संक्रमण की जांच कराई जाए। रांची के रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की देखरेख कर रहे चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद के वार्ड में एक मरीज सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। एक बार की एक महीने से इलाज के लिए यहां भर्ती बुजुर्ग मरीज में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद सबकी जान सांसत में आ गई है। बता दें कि चारा घोटाले के चार मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव पहले ही 13 गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। वे क्रॉनिक किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लालू के शुगर में भी बराबर उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो की ओर से कोरोना संक्रमण का खतरा बताते हुए पहले ही आरजेडी की तरफ से पेरोल की मांग की गई थी। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल हुटवार के कराधीक्षक और जेल महानिरीक्षक ने भी लालू को कोरोना खतरा बताते हुए रिम्स के पेइंग वार्ड से अलग शिफ्ट करने पर गृह विभाग को चिट्ठी लिखी थी। इधर लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद के वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद डॉक्टर में भी संक्रमण का खतरा हो गया है। ये डॉक्टर प्राय रोज लालू की जांच के लिए पेइंग वार्ड में जाते हैं। ऐसे में संक्रमण का दायरा बढ़ा हुआ मिला तो मामला गंभीर हो सकता है। बहरहाल अभी रिम्स प्रबंधन की ओर से इस पर आधिकारिक तौर पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर उमेश प्रसाद क्वारंटाइन में जाते हैं तो संभव है कि लालू का स्वैब लेकर भी उनकी भी कोरोना की जांच कराई जाएगी। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।